हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो होममेड चॉकलेट का वीडियो है। होममेड चॉकलेट किस तरह से बनाना है, तो जब भी हम होममेड चॉकलेट बनाते हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि चॉकलेट बनने के बाद जब हम उसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसमें मॉइस्चर आता है। तो चॉकलेट में स्वेटिंग होने का, मॉइस्चर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो यही सब मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो किसी किसी की चॉकलेट तो जब मेल्ट करते हैं तो मेल्ट ही नहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट कभी भी आपको यूज़ नहीं करनी है, और जो चॉकलेट कंपाउंड है उसे आपको कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, उसे बाहर रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना है। तो ये बात का आप ध्यान रखें कि चॉकलेट आपको कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करनी है, और जब हम मार्केट से लाते हैं तभी भी वो फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने मोर्डे कंपनी की चॉकलेट यूज़ की है। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है। तो चॉकलेट का रेशो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप मिल्क चॉकलेट कम और डार्क चॉकलेट ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ चॉकलेट कंपाउंड को कट कर रही हूँ, तो इस तरह मैं पतला पतला कट कर रही हूँ। तो आप चॉकलेट को जितना पतला और बारीक कट करेंगे उतनी अच्छे से आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होगी और जल्दी मेल्ट होगी। तो यहाँ मैं दोनों चॉकलेट को इस तरह से कट कर रही हूँ बारीक बारीक। तो आज मैं डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को मेल्ट करने वाली हूँ। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जब माइक्रोवेव में इसे मेल्ट करेंगे तो आपको 30 या 40 सेकेंड करके ही इसे मेल्ट करना है। तो आप 40 सेकेंड माइक्रोवेव में रखिए, उसे बाहर निकालिए, फिर चम्मच से चलाइए। अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई तो फिर से आप 30 या 40 सेकेंड के लिए उसे मेल्ट कीजिए। तो ऐसे ही आपको पूरी मेल्ट होने तक चॉकलेट को 30 या 40 सेकेंड के लिए ही मेल्ट करना है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी चॉकलेट बाहर निकाल रही हूँ तो उसका मैं आगे यूज़ करूँगी। अब यहाँ मैंने नीचे एक छोटा बर्तन लिया है जिसमें मैं पानी गर्म करने वाली हूँ, और उसके ऊपर ये चॉकलेट का बर्तन मैं इस तरह से रखने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें जब हम पानी गर्म करेंगे तो वो बाउल हमारा छोटा होना चाहिए, और जिसमें हम चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं वो बाउल बड़ा होना चाहिए, ताकि ये जो गर्म पानी है वो चॉकलेट के बाउल को टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पानी गर्म हो गया है और मैंने गैस बंद कर दी है। अब जो पानी से स्टीम आएगी उसी स्टीम पे ही हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हमें चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा चॉकलेट को गर्म कर लेंगे और इसकी हम चॉकलेट बनाएंगे तो उसमें मॉइस्चर आएगा, तो इसीलिए हमें कम टेम्परेचर पर ही चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं पूरे चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। तो जब भी हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो हमारी चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ चॉकलेट थोड़ी गर्म है, थोड़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ मैंने जो चॉकलेट बाहर निकाल के रखी थी उसे यहाँ पे डाल दिया है। तो इससे जो चॉकलेट गर्म हो गई है तो टेम्परेचर चॉकलेट का इससे मेंटेन हो जाएगा। तो ये चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसे गैस से उतार लेंगे। अब मैंने चॉकलेट को जो है वो गैस से उतार लिया है। अब मैं इसे चम्मच से ऐसे ही चलाते हुए चॉकलेट को हमें पूरा ठंडा कर लेना है। इस प्रोसेस से हमारे चॉकलेट को अच्छा शाइन आएगा। तो आप जब भी चॉकलेट मोल्ड में डालेंगे तो आपकी चॉकलेट थोड़ी वार्म है तो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिंगर से चॉकलेट को चेक कर रही हूँ तो ये मुझे गर्म नहीं लग रही है, तो इसका मतलब हमारी चॉकलेट पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब ये यूज़ करने के लिए तैयार है। अब मैं चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में भर लूँगी।
तो पाइपिंग बैग में चॉकलेट भर लेने से क्या होगा, आपका जो काम है वो एकदम सफाई से हो जाएगा, तो इधर उधर चॉकलेट गिरेगी नहीं। तो मैंने चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ चॉकलेट के मोल्ड्स हैं, तो ये प्लास्टिक के मोल्ड होते हैं, ये आपको जहाँ पर केक का या चॉकलेट का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएंगे, 30 या 40 रुपीज़ का एक, इस तरह से ये मिलते हैं। अब ये पाइपिंग बैग है उसे मैंने एक छोटा कट लगा लिया है और इस तरह से मैं मोल्ड में चॉकलेट पोर कर रही हूँ। तो देखिए कितनी सफाई से हमारा काम हो रहा है। तो ये मोल्ड में मैंने चॉकलेट डाल दी है, अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। उससे पहले हमें मोल्ड को इस तरह से टैप कर लेना है और इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे मोल्ड जो है वो चॉकलेट से इस तरह से पोर कर लूँगी। तो हमें चॉकलेट को सेट करने के लिए फ्रीज़र में 10 मिनट ही रखना है, उससे ज़्यादा हमें फ्रीज़र में इसे नहीं रखना है। अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए हम फ्रिज में या फ्रीज़र में इसे रखेंगे और जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो उसमें मॉइस्चर आएगा, क्योंकि वो ठंडी रहेगी फ्रीज में और जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी और हमारी चॉकलेट में मॉइस्चर आ जाएगा, स्वेटिंग आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देर हमें चॉकलेट को ठंडा नहीं करना है। तो इसे भी मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारी चॉकलेट सेट हो रही है मैं ये रैपिंग पेपर्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के रैपिंग पेपर्स आते हैं, तो इस तरह के आते हैं और ये थोड़े एल्युमिनियम फॉइल रैप होते हैं, उस तरह के ये पेपर होते हैं, तो ऐसे ये स्क्वायर्स में आते हैं। तो ये भी आपको 70 या 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये जो है ये भी अलग अलग कलर में आते हैं और ये जो है ये पूरे गोल्डन हैं। अब ये ट्विस्टर है, तो इस तरह के रैपिंग पेपर में ये ट्विस्टर यूज़ होते हैं। मैं आगे बताने वाली हूँ इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। अब हमारी चॉकलेट जो है वो भी ठंडी हो गई है, सेट हो गई है, तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो ये चॉकलेट पूरी तरह से बनके तैयार हो गई है। अब हमें इस तरह से टैप करके चॉकलेट को निकालना है। जब हम इसे टैप करके निकालेंगे तो ये चॉकलेट अपने आप ही निकल जाएगी। अगर टैप करके भी आपकी चॉकलेट नहीं निकल रही है तो आप इस तरह से थोड़ा प्रेशर देके चॉकलेट को निकालिए। अगर ऐसे करके भी आपकी चॉकलेट नहीं निकल रही है तो इसका मतलब आपकी चॉकलेट सेट नहीं हुई है, तो आप फिर से 2 या 3 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो देखिए पूरी चॉकलेट मैंने मोल्ड से निकाल ली है, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा शाइन हमारे चॉकलेट को आया है और कहीं भी मॉइस्चर नहीं दिख रहा है। तो देखिए पूरे चॉकलेट को मैं रैप करने तक इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चॉकलेट मेल्ट करते वक्त। तो अब मैं इसे रैप कर रही हूँ। तो यहाँ हमने एक पेपर लिया है और बीच में ये चॉकलेट मैंने रख दिया है और उसे इस तरह से ट्विस्ट करके, हमें इस तरह से ये ट्विस्टर है इसे इस तरह से लगाना है और पैक कर लेना है चॉकलेट को। अब ये चॉकलेट आपने फ्रिज से निकाल ली है, अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं चॉकलेट को तो उसे तुरंत पैक कर लीजिए, इस तरह से रैप कर लीजिए। और अगर आप घर के लिए चॉकलेट बना रहे हैं तो मोल्ड से निकालने के बाद उसे तुरंत आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें। तो ये चॉकलेट बनने के बाद अगर आपके घर में ठंडी जगह है तो आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, चॉकलेट बनने के बाद मैं बोल रही हूँ। और अगर ठंडी जगह नहीं है तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो
तो 2-3 महीने तक आपकी चॉकलेट जो है वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको कभी भी चॉकलेट को खुला फ्रिज में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब भी हम खुला चॉकलेट को फ्रिज में ऐसे ही छोड़ देंगे तो फ्रिज में जो भी सामान है उसकी स्मेल चॉकलेट खींच लेता है और चॉकलेट का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक्चुअली चॉकलेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर की जाती है, उसे फ्रिज में कभी भी स्टोर करना नहीं होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में अगर आपके घर में टेम्परेचर बहुत हाई है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये जो दूसरे रैपिंग पेपर है उसे इस तरह से पैक करना है। तो चॉकलेट यहाँ पे मैंने बीच में रख के इस तरह से चॉकलेट पैक करने हैं। तो ये पैक हो गए हैं। तो इस तरह से सारे चॉकलेट पैक कर लेने हैं। तो ये सारे चॉकलेट पैक हो गए हैं। अब इसे गिफ्ट रैप किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। तो मार्केट में इस तरह के पोटली बैग्स आते हैं और ये प्लास्टिक के बॉक्स भी आते हैं और इस तरह के बास्केट आते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के बॉक्स आते हैं चॉकलेट को गिफ्ट रैप करने के लिए। तो आप पोटली में इस तरह से चॉकलेट रख के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो इस तरह से चॉकलेट आप पैक करके दे सकते हैं। तो ये जो पोटली है ये आपको 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी और इस तरह के जो बास्केट है ये भी 60 या 70 रुपीज़ में आते हैं। तो ये भी आपको जहाँ केक या चॉकलेट का सामान मिलता है वहीं पे आपको ये सब सामान मिल जाएगा। तो बास्केट में इस तरह से चॉकलेट रख के आप दे सकते हैं। और इस तरह के जो प्लास्टिक बॉक्स है ये भी आपको 20 या 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो इसे भी आप इस तरह से चॉकलेट भर के दे सकते हैं। तो इसे आपको इस तरह से टाई करना होता है। तो ये दोनों तरफ से आपको टाई करना होता है। तो एक तरफ से मैंने किया हुआ है और दूसरी तरफ से मैं अभी टाई कर रही हूँ इसको। तो ये भी पैकिंग हो गई है। तो इस तरह से आप इसे गिफ्ट रैप कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो होममेड चॉकलेट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।